जो अनमेरिड है, जो पानी ये सबसे बड़ा तो वो अनमेरिड है भाई। हुटर बजा दो जरा। ओए बंद कर दुकान, दुकान बंद कर, सब दुकान बंद कराते चलूं, पुलिस लिखाने आ गए। आती तो फीलिंग ऐसी है वैसे इसमें बैठ गए हैं। हां तभी मैं कौन पे ऐसे ऐसे गंदे तरीके से क्यों बोलते हूं, अब समझा मैं। बुलेरो का चक्कर है वो। हां बस एक रॉब बन जाता है और बुराई भी कुछ नहीं। हेलो हां जी, ला साइड पे ला। बहुत बहुत खैरियत है। हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है महिंद्रा बुलेरो और ये गाड़ी देख रहे हैं हम रवि भैया के लिए। रवि भैया बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन है, उनके लिए महिंद्रा बुलेरो देख रहे हैं। एक्चुअल में उनका लेने का मूड था गाड़ी, लेकिन वो किसी और गाड़ी की तरफ जाना चाहते थे। फिर हम लोगों ने जब आसपास में डिस्कस किया और उनकी रिक्वायरमेंट को मैच किया। मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूं कि अपनी रिक्वायरमेंट को मैच कीजिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट में फिट बैठती हो वो गाड़ी अच्छी है। बुरी गाड़ी कोई नहीं होती, बुरी गाड़ी तब हो जाती है जब गलत सेगमेंट की कार गलत पर्पस से यूज़ करने वाले के पास पहुंच जाती है। हमारे पास गाड़ी पहुंची, हमारा का क्या इस्तेमाल था और वो उसको फुलफिल करती है इनफ। अब इनका था कि इनको ऐसी गाड़ी चाहिए कि जिससे ये कहीं भी जा सकें, कभी भी इनको रास्ता ना देखना पड़े कि रास्ता ऐसा है, क्योंकि इनका नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि घुमंतु प्राणी है, तो ये घुमंतु हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कभी भी चले जाएंगे। इनको ऐसा इशू नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ पे गाड़ी ले जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं। तो उस मामले में बुलेरो रफ एंड टफ हर मामले में फिट बैठती है। दूसरा चीज़ थी कि इनको चाहिए था कि इकोनॉमी भी हो, कि ऐसा भी हो कि कम खर्चे में हो, इसके पार्ट्स वगैरह सस्ते हैं, कोई भी चीज़ इसकी ऐसी नहीं है कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। इवन आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में जाके आप कोई सामान ढूंढने लगेंगे तो बुलेरो का आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बनिस्बत अगर दूसरी गाड़ियों का ढूंढते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि नहीं जी एजेंसी से लेना पड़ेगा या फिर ऑर्डर करना पड़ेगा, कई सारी चीज़ें रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हार्ड गाड़ी है, माइलेज भी अच्छा है और इनके लिए बिल्कुल फिट बैठती थी, इसलिए हमने बुलेरो का प्लान बनाया और बुलेरो को ढूंढना शुरू किया। बुलेरो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, साफ गाड़ी मिल जाए, ओरिजिनल गाड़ी मिल जाए, जैसा कि हमको चाहिए था कि ओरिजिनल गाड़ी होनी चाहिए। कई गाड़ियां देखी हमने, कई सारी गाड़ियां, आगे भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी देखी थी, कुछ आपने पहले भी देखी होंगी कि हमने कौन कौन सी गाड़ियां देखी थी। लेकिन इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार मैं आपको गाड़ी का लुक दिखाता हूं कि गाड़ी कैसी है। तो ये जो गाड़ी है महिंद्रा बुलेरो 2013 का मॉडल है। इस गाड़ी को जब मैंने देखा तो गाड़ी देखते ही लगी कि हाँ इस गाड़ी में कुछ है। कुछ है से मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी है से मतलब ये है कि ये अपने आप को अपनी रीडिंग से मैच करा रही है। इसकी हर चीज़ें इसकी रीडिंग के हिसाब से मैच कर रही है, यानी कि कितनी चली है गाड़ी और उसके हिसाब से ही इसकी कंडीशन है। कहीं से गाड़ी एक्सीडेंट नहीं दिखी, कहीं गाड़ी का ऐसा रीपेंट नहीं दिखा कि गाड़ी कहीं रीपेंट हुई हो या फिर ऐसा कुछ इंजन कभी खुला हो, इंजन भी इसका पूरा सील्ड था। जितनी रनिंग उन्होंने बताई उतनी रनिंग के हिसाब से इसकी सारी कंडीशन दिखी। हेडलाइट देख रहे हैं, थोड़ा सा पीलापन दिख रहा है इनमें, जायज़ है, हो जाता है, ये बुलेरो का इतने टाइम बाद इसमें थोड़ा बहुत पीलापन आ जाता है और वो आया है नेचुरल। अब एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ मैं गाड़ी का, क्या क्या इसके अंदर है और क्या आपको समझ में आता है और मैंने किस चीज़ को कैसे समझा है। तो देखिए ये इसका डैशबोर्ड, डैशबोर्ड की फिटिंग बहुत मायने रखती है। डैशबोर्ड की फिटिंग कभी भी गाड़ी को देखते हैं ना आप लोग तो एक बात ध्यान में रखिए, मजाक मस्ती में हंसते खेलते ऐसे ही ऊपर से सरसरी गाड़ी देख ली, कलर से पसंद कर ली, ये सारी चीज़ें अलग हैं। गाड़ी देखने के लिए आपको बिल्कुल शांत मन से एक एक चीज़ को चेक करना पड़ता है। एक एक चीज़ से चेक करने से मतलब ऐसा नहीं कि हमको ऐसा लग रहा है भाई ये स्क्रैच क्यों है, ये नहीं होना चाहिए था, वो मैटर नहीं है। मैटर वो है कि गाड़ी अपनी कंडीशन को अपनी रीडिंग से मैच करा पा रही है या नहीं करा पा रही है। इसके लिए हमको जब चेक करना होता है तो एक एक चीज़ को चेक करना होता है। एक एक चीज़ इस वजह से चेक नहीं करनी कि ये स्क्रैच आ रही है या ये टूटा हुआ है ये ख़राब है, बिल्कुल भी नहीं, उधर ध्यान मत दीजिए। ध्यान दीजिए कि कितना मैच करा रही है ये अपने आप को अपनी रीडिंग के साथ। पेंट, इनर साइड में पेंट चेक कीजिए, इनर साइड जो कोने रह जाते हों। वैसे तो इसकी रबड़ उतारना बहुत ईजी होता है, अगर पेंट होता है तो ये पूरा ही पोर्शन होता है, लेकिन फिर भी पेंट कर सकते हैं कि हाँ पेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ओरिजिनल पेंट अगर उतरता है तो पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये देख रहे हैं ये ओरिजिनल पेंट उतरा, इसके नीचे कोई पुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये उतरा क्यों है, ये दरवाजे के घिसने की वजह से उतरा है। ये जो दरवाज़ा है वेटेड होता है, इसके पीछे स्टपनी लगी रहती है, तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ये डाउन हो जाता है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ये पॉजिटिव साइन है कि वहाँ से घिसा उसने, तो देखा हमने कि यहाँ से भी पीछे से भी कभी गाड़ी ऐसी एक्सीडेंट हुई नहीं है। इंटीरियर साफ़ सुथरा है, रूफ़ वगैरह सब कुछ सही है, टायर वगैरह की भी कंडीशन ओके है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अभी जाके हमको तुरंत करना पड़े,
हाँ, सस्पेंशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत काम है। देखिए, कभी जब भी आप गाड़ी सेकेंड हैंड ले रहे हैं तो एक बात दिमाग में रखिए, जब अपने पास आप गाड़ी लाएंगे अपने हिसाब से काम करने के लिए कुछ पैसे आपको लगाने ही पड़ते हैं। एक गाड़ी किसी के पास है उसने अपने तरह से बनाई है, एक गाड़ी आपके पास है आप अपने तरह से बनाएंगे। स्टेयरिंग के ऊपर निशान देख रहे हैं, ये स्टेयरिंग कवर नहीं लगा हुआ है, इस पर ऐसा ही चला है। गियर लीवर पर निशान देख रहे हैं कितने बने हैं, ये निशान यानी घिसावट कितनी हुई है। नीचे पैडल, ये पैडल, दोनों पैडल मैच कर रहे हैं। ये गाड़ी एक हाथ में चली हुई गाड़ी है, समझ रहे हैं आप। ये गाड़ी किसी एक ही आदमी ने चलाई है, एक ही ड्राइविंग हैबिट है उसकी। एक बार इंजन बे दिखाता हूँ आपको, इंजन बे की कंडीशन क्या है। इंजन बे में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं चेक करने के लिए। इंजन को कभी भी चेक कीजिए, साइलेंटली चेक कीजिए, देर तक चेक कीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि शर्म आए, इतनी देर तक क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या है, बस आप कहने दीजिए। लोग हैं, 50 तरह की बातें कहेंगे। आप अपने आप को सेटिस्फाइड कीजिए, आप सेटिस्फाइड होते हैं तब देखिए। जब भी मैं गाड़ी चेक करता हूँ तो इंजन बहुत ध्यान से देखता हूँ, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, बोल्ट कौन से लगे हैं, कहाँ लगे हैं, वायर कहाँ से जा रही है, केबल टाई बांधी है क्या, स्टीकर कौन से लगे हैं, ये सारी चीज़ें मैच कराती हैं कि काम कहाँ हो रहा है गाड़ी का। गाड़ी का काम किसी अच्छी वर्कशॉप पर हो रहा है या फिर किसी ऐसे ही लोकल वर्कशॉप पर हो रहा है जो कि क्वालिटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या फिर कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ काम किया गया है और किन के साथ काम नहीं किया गया है। पेंट देख रहे हैं यहाँ से, ये पेंट ऊपर से निकल रहा है, ये रबिंग वगैरह कराते हैं ना उसके ऊपर से निकल जाता है, कोई मैटर नहीं। लेकिन ये वाला हिस्सा मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद पेंटेड हो, एक फिंगर का पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, जैसे पेंट होते समय जो फिंगर का पॉइंट लगता है वो पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं दिखता। लाइट वगैरह इसके साथ की हैं, अगर ऐसा कुछ मेजर एक्सीडेंट रहता तो ये लाइट भी चेंज हुई रहती। लाइट यहाँ पे चेंज नहीं है, दोनों लाइटें बिल्कुल आपस में मैच करती हैं और ये लाइट साथ की हैं। और इस गाड़ी के बारे में एक खास बात जो आपको जानना ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, तो ये देखिए, ये जो गाड़ी हमको दिखाई है, ये गाड़ी हमें दिखाई एक डीलर ने, कार डीलर ने। ज़रूरी नहीं कि सारे कार डीलर वैसे ही हों, सब घपला करते हों, कुछ गड़बड़ करते हों। ये जो भाई साहब थे जिन्होंने गाड़ी हमें दिखाई, उन्होंने गाड़ी हमको दिखाई उस जगह पर ले जाके जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, जिनकी गाड़ी थी, इन्होंने हमको दिखाया। हमने प्रॉपर चेक किया गाड़ी को, हमारी कंडीशन पर पूरी खरी उतरी। इसके बाद हमने डील की, जो उनकी डिमांड थी नेगोशिएशन किया, फाइनल 3,80,000 रुपये में हमारा इसका सौदा हो गया, डील पक्की हो गई। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी, पेपर्स को ट्रांसफ़र कराना, पेपर वहाँ से लेना, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सामने वाले की, तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये डील हमको कहीं से कहीं तक बुरी नहीं लगी। इसमें कुछ कमीशन हमने उनको खुला जो ऊपर रखा था वो हमने उनको दिया, और जो इनका जायज़ भी है, बनता भी है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीख पाएं और कभी धोखा खाने से बचें। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मन में कोई सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।